सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भाई बहनों का अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रेगुलर मैं हर रात 8 बजे आपके लिए क्लास लेकर के आती हूँ, तो 8 बजे आप लोग चैनल से जुड़ जाया करिए। और अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आती तो आप एक बार जरूर चेक कर लिया करें ताकि आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आते हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस को लाने का एक ही उद्देश्य होता है कि आप लोग की जो तैयारी है वो कम समय में बेहतर हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चंस ही मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए जो आपको कम समय में बेहतर रिजल्ट दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को, जहां पर भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप उनसे जुड़े हुए हैं वहां पर आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ करके आपके साथ ही वीडियो को देखें। जब वीडियो को साथ में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हो साथ में। तो इस तरीके से आप लोग अपने दोस्तों को जरूर जोड़ लिया करिए जब आप पढ़ा करिए, तो जब वो भी साथ में आपके पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन घोष व्यंजन कहलाते हैं? इनमें से कौन से वर्ण है जो घोष व्यंजन कहलाते हैं? कौन से वर्ण होते हैं जिन्हें हम घोष व्यंजन कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अब दूसरा चौथे का मतलब क्या, जैसे कि क वर्ग है, अब क वर्ग में का, खा, ग और घ और अंगा, ठीक है, ये इतने आते हैं, क खा ग घ अंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब क वर्ग ये हो गया टोटल क वर्ग में, तो यहाँ पर देखिए दूसरा और चौथा यहाँ पर कह रहा है। अब देखिए दूसरा चौथे का मतलब क्या, ख और घ की बात हो रही। फिर देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवे का मतलब घ घ और अंगा। फिर उसके बाद प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण, तो क और ग की बात हो रही है। फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण यानी कि ग और अंगा। दोस्तों, जो घोष वर्ण होते हैं वो तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं, यानी कि ग घ और अंगा, ये क्या है, ये घोष व्यंजन है। अभी मैं आप लोगों को इसका ट्रिक बताती हूँ अभी दूसरे क्वेश्चन में, कि कभी आपका ये गलत होगा ही नहीं, घोष और अघोष। तो चलिए हम उस ट्रिक को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब अघोष तो हम याद कैसे करेंगे, अघोष एक दोष, अघोष एक दोष। अब ध्यान से आप देखिएगा, अघोष एक दोष, एक मतलब एक और दोष में यहां पर दो देखिए है, एक और दो, तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। तो पहला दूसरा मतलब क वर्ग में का और खा, ये पहला वर्ण हो गया, ये दूसरा वर्ण हो गया, तो ये क और ख क्या हो गए, अघोष हो गए, बाकी ग घ अंगा ये क्या हो गए, घोष हो गए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अघोष एक दोष, ये ट्रिक अगर आप याद रखते हो, अघोष एक दोष, अघोष एक दोष, ठीक है। इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो गलत नहीं होगा, एक और दो, एक और दो अघोष है, बाकी तीन चार पांच क्या है, घोष है। तो यहां पर आप देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा और पांचवा वर्ण, यहाँ पर राइट आंसर दिया है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है, अघोष एक दोष, अघोष एक दोष। बस ये ट्रिक याद रहेगी तो गलत नहीं होगा आपका। उम्मीद करती हूँ जो ट्रिक है ये भी आप लोगों को समझ में आई होगी, अघोष एक दोष, इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो अघोष अगर पूछेगा तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, तो क वर्ग में का और ख हो गए, च वर्ग में चा छ हो गए, ट वर्ग में टा ठा हो गए, ये सब अघोष हैं, बाकी इनके बाद जो आएंगे वो घोष होंगे, तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। महाशय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशयी, महाशयनी, महाशनी या महाशय। तो महाशय शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दोस्तों महाशय का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा महाशया, क्या होगा, महाशया। जैसे जब हम किसी स्कूल के प्रधानाचार्य को जब हम संबोधित करते हैं तो हम लेटर में क्या लिखते हैं, हम एप्लीकेशन में महोदय लिखते हैं, लेकिन अगर कोई प्रधानाचार्य होती है किसी स्कूल की तो हम क्या लिखते हैं उनके लिए, महोदया लिखते हैं, क्या लिखते हैं, महोदया लिखते हैं।
महोदया सादर निवेदन है कि इस तरीके से, ठीक है, कॉमा लगा के। तो यहाँ पर महाशय का क्या हो गया, महाशया हो गया, यहाँ से महोदय का महोदया होता है, ठीक है, प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्य होता है, अध्यापक का अध्यापिका होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है, सूर्य का स्त्रीलिंग, सूर्य पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सूर्या, सूर्याणी, सूर्य या सूर्यानी। तो दोस्तों सूर्य का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है सूर्या, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है ये सही हो जाएगा, याद रखिएगा सूर्य का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो सूर्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीरस का सही संधि विच्छेद है, निधन रस, निर्धन सा, निधन रस या निधन रस। तो सर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निधन रस, निधन रस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि है, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है, याद रखिएगा नीरस में कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि, निधन रस से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, निरूपम का सही संधि विच्छेद है, निरूपम शब्द का सही संधि विच्छेद, निरुधनपम, निधनुपम, निधन रूपम या फिर निधन उपम। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, निधन उपम। तो निरूपम में भी आप देखिए कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, विसर्ग लगा हुआ, विसर्ग देखते ही आप जान जाओगे कि उसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, तो निधन उपम से मिल करके बना हुआ है निरूपम। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन बहुव्रीहि समास है, परमात्मा, कमल नयन, पंचानन या फिर भूमिपति। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है पंचानन, पंचानन में दोस्तों है बहुव्रीहि समास, पांच है आनन, जिसके अर्थात भगवान शिव के लिए ये प्रयोग होता है, तो इसीलिए इसमें क्या है, इसमें बहुव्रीहि समास है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कि अगर यहाँ पर बहुव्रीहि, अगर यहाँ पर दीर्घ समास पूछता तो हम यहाँ पर पंचानन को भी सही लगाते, क्योंकि इसमें देखिए इसमें संख्यावाचक शब्द आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर बहुव्रीहि पूछा है तो यहाँ पर हम बहुव्रीहि को लगाएंगे, क्योंकि पंचानन शब्द का अर्थ भगवान शिव के लिए यूज होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने बहुव्रीहि समास लगाया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास नहीं है, पितृभक्त, चक्रपाणी, दशानन, गिरधर। तो गिरधर हम भगवान कृष्ण के लिए यूज करते हैं, दशानन रावण के लिए यूज करते हैं, चक्रपाणी चक्र है हाथ में इसके अर्थात भगवान विष्णु के लिए यूज करते हैं, तो इन तीनों में ही बहुव्रीहि समास है, लेकिन जो पितृ भक्त है, पिता का भक्त, इसमें बहुव्रीहि समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, शुद्ध रूप कौन सा है इसमें से, तदात्म्य, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे तदात्म्य, यहाँ पर पूछ रहा है शुद्ध रूप इसमें से कौन सा है। दोस्तों तादात्म्य होता है, तो तादात्म्य यहाँ पर आप देखिए तादात्म्य ये जो लिखा हुआ है ये सबसे शुद्ध रूप है, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, आधा त आधा म और य होता है, तादात्म्य होता है, ठीक है, तादात्म्य, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ज्योत्सना यहाँ पर कौन सा सही लिखा हुआ है पूछ रहा है, ज्योत्सना किसमें सही लिखा हुआ है। दोस्तों ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ज्योत्सना यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हो, ज्योत्सना ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आधा जा है, फिर या पर ओ की मात्रा, फिर आधा ता, फिर आधा सा, फिर ना पर आ की मात्रा, ज्योत्सना ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है, तो घर वाला, गंगा जल, हिमालय। तो घर वाला दो शब्दों से मिलकर बना है, घर वाला यौगिक है, यौगिक मतलब दो शब्दों के योग से, गंगा जल अर्थात गंगा और जल से, हिमालय हिमधन आलय यानी कि बर्फ का घर, और घर अगर हम घ और र को अलग कर दें तो ये कोई अर्थ नहीं देंगे अपने आप में, तो इसीलिए ये यौगिक शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो सही जाएगा, ये रूढ़ शब्द है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द नहीं है, राजपूत, राजा, पुत्र, गंगा। इसमें से दोस्तों जो राजपूत है, राजा, पुत्र, गंगा, अगर इनमें से हम किसी भी शब्द को अलग करते हैं, अक्षर को अलग करते हैं, तो ये कोई अर्थ नहीं देंगे, तो ये सब रूढ़ शब्द हैं, राजा, पुत्र, गंगा, लेकिन राजपूत जो है राज और पूत दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये एक यौगिक शब्द है, इसीलिए ये रूढ़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, छी छी कितनी गंदगी है, यह वाक्य किस प्रकार का है, साफ साफ आप देख रहे हो कि इसमें इस विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा या फिर ये विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है,
विस्मयादि बोधक चिन्ह है या विस्मय वाचक वाक्य है हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है विस्मय वाचक, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ के अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो ये सब क्या है, इसमें क्या झलक रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है, किसी को आज्ञा दिया जा रहा है, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आज्ञावाचक। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। जब किसी एक ही अंग पर बल दिया गया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एकांगी, एकनिष्ठ, एक तरफा या फिर एकांगी? तो दोस्तों जब एक ही अंग पर बल दिया गया हो किसी नाटक कहानी या इस तरीके से किसी चीज पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, एकांगी, एकांगी कहेंगे। यानी कि एक ही अंग पर बल दिया गया है, विशेष रूप से उस पर ध्यान दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, एकांगी। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। जो दूसरों के सहारे जी रहा हो उसको हम क्या कहेंगे, परोपकारी, परघाती, परोपजीवी या इनमें से कोई नहीं? तो उसे हम कहेंगे परोपजीवी। क्या कहेंगे, परोपजीवी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, परोपजीवी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। प्रिय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, कैसे कहें रूप रस रांची, ए बतिया सुन रूखी। इसमें किस प्रकार का रस है, शांत रस है, करुड़ रस है, रौद्र रस है या फिर श्रृंगार रस है? प्रिय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, कैसे कहें रूप रस रांची, ए बतिया सुन रूखी। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कोई बहुत दुखी है, यानी कि इसमें करुड़ रस है। क्या है, करुड़ रस है, कोई अपनी वेदना बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करुड़ रस, ये सही हो जाएगा। ठीक है, कोई रो रहा है, रो करके अपनी बातों को कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन हसे, देन कहे नटी जाए। इसमें किस प्रकार का रस है, श्रृंगार रस, वात्सल रस, हास्य रस या फिर भक्ति रस? दोस्तों इसमें ये जो पूरी लाइनें आप देख रहे हो, इसमें भगवान कृष्ण की मुरली किस तरीके से गोपियां चुरा लेती हैं, तो गोपियों का प्रेम बहुत ज्यादा था श्री कृष्ण भगवान के लिए, आपको पता ही है, तो किस तरीके से वो उनकी बांसुरी को चुरा लेती हैं, इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मुरली धरी लुका, यानी कि मुरली को चुरा लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि उनका प्रेम संबंध था भगवान से, तो यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कोल्हू का बैल बनना मुहावरे का क्या अर्थ है? दिन रात काम में जुटे रहना, मंद बुद्धि प्रयास करना, चुप चुप रहना या बहुत प्रयास करना? तो कोल्हू का बैल बनना दोस्तों ये हो जाएगा, दिन रात काम में जुटे रहना, केवल काम ही काम करते रहना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। खून का घूंट पीना मुहावरे का क्या अर्थ है? खून का घूंट पीना, रक्तपान करना, बीमार पड़ना, क्रोध को अंदर ही अंदर सहना या फिर बेचैन होना। तो खून का घूंट पीना, इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि अपने अपने क्रोध को अंदर ही अंदर शांत रखना। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, क्रोध को अपने अंदर ही शांत रखना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। मृदुल तांत लता समान थी अलंकार बताएं। मृदुल तांत लता समान थी, इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक, यमक, श्लेष या फिर भ्रांतिमान? तो दोस्तों यहां पर देखिए मृदुल तांत लता समान थी, यानी कि यहां पर किसी ना किसी की किसी से तुलना की जा रही है, और जब कहीं पर किसी की तुलना की जाती है तो वहां पर बिल्कुल तुलना नहीं, सेम वही चीज मान लिया जाता है कि हाँ यही है, चंद्रमा के समान नहीं बल्कि चंद्रमा एकदम सेम टू सेम चंद्रमा की तरह ही। तो जहां पर सेम टू सेम रूप को वही मान लिया जाता है, तो यहाँ पर होता है रूपक अलंकार। जैसे अंबर रूपी पनघट, यानी कि पनघट को क्या मान लिया गया है, पनघट को अंबर बादल मान लिया गया, पूरा मान लिया है। तारा रूपी घट, ऊषा रूपी नगरी, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब में होता है रूपक अलंकार, तो ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। जग प्रकाश तब जस करे, वृथा भानु यह देख, इसमें अलंकार कौन सा है? जग प्रकाश तब जस करे, वृथा भानु यह देख, यमक, उपमा, प्रतीत या फिर उत्प्रेक्षा? तो दोस्तों यहां पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतीत। ठीक है, जग प्रकाश तब जस करे, वृथा भानु यह देख, इसमें अलंकार कौन सा है, प्रतीत।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? साहित्य दर्पण किसने लिखा है? पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, भानु मिश्र या फिर हेमचंद्र? तो दोस्तों साहित्य दर्पण को लिखा है आचार्य विश्वनाथ ने, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? मम्मट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो दोस्तों रस मीमांसा को लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। हिंदी राजभाषा है दिल्ली प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की, इन दोनों प्रदेशों की या इनमें से किसी प्रदेश की नहीं? तो दोस्तों जो हिंदी है ये राजभाषा है, तो चाहे दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो ये दोनों ही प्रदेशों की हो जाएगी, क्योंकि ये सभी प्रदेशों की राजभाषा है, पूरे देश की राजभाषा है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है दोनों सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हिंदी भारत की है जनभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या ये सभी? दोस्तों जो हिंदी है ये भारत की राजभाषा है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, राष्ट्रभाषा नहीं है राजभाषा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। किम कर्तव्य विमूढ शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे यह समझ ना पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो या जो कर्तव्य से विमुक्त हो। तो किम कर्तव्य विमूढ का मतलब होता है जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो उसे हम किम कर्तव्य विमूढ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? खीर खीर, दही दही, दुग्ध दूध, घृत घी। तो घृत घी सही है यहाँ पर, दुग्ध दूध भी सही है और खीर खीर भी सही है, लेकिन दही दही सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? दादाजी आकर टेलीविजन देखने लगे, जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, नारायण धनी है परंतु कंजूस है, मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप जो देख रहे हो, नारायण धनी है परंतु कंजूस है, ये बिल्कुल सही है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी और घर सुनसान था। इसमें मिश्र वाक्य हमको ढूंढना है। तो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, दोस्तों ये मिश्र वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने अच्छे से सारे क्वेश्चंस को पढ़ा और सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए। अब आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आप जरूर कमेंट करके जाइएगा दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन बना होगा, इस तरीके से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो अभी तक तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए, आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर के आ रहे हैं और आगे भी आते रहे हैं, आगे भी आते ही रहेंगे आपके लिए वीडियोज लेकर के। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोगों ने जो भी सपना देखा है आप सभी के सपने पूरे हों और आप सभी लोग लगातार मेहनत करते रहिए उसके लिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए, हम आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे और वीडियोस आपके लिए रेगुलर लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।